हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिपल कैरी। आई एम आनंदिता। तो अभी हमारा एक ओटी सीरीज चल रहा है जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लीज जाएं और पिछले दो एपिसोड जरूर देखें। आज हम लाए हैं इस सीरीज का लास्ट एपिसोड लेके, जहाँ पे मेरा ऑपरेशन से लेके स्तुवान से मिलने तक एंड पोस्ट दैट माय रिकवरी इज कवर्ड। स्टे ट्यून फॉर स्तुवान्स रिएक्शन। वो मेरे को ऑलमोस्ट दो दिन के बाद देखता है और उसका रिएक्शन इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आप लोग इस वीडियो एंजॉय कीजिए और एंड तक देखिए। तो इट्स 8:20 नाउ और हम लोग निकल चुके हैं। 10 मिनट्स हुआ है हम लोग निकले हैं। मम्मी पापा को बोला है कि वो लोग हल्दीराम से उनको पिक कर लेंगे। अभी चाचा जी हैं, वो हमारे साथ जा रहे हैं। What your bed assign this is and how do you feel? I'm a bit nervous. Worried about my son. मम्मी भी है। ये ट्विन शेयरिंग बेड है एंड कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? बिकॉज आई डिडंट वांट एनीवन टू स्टे विद मी इन द नाइट। सब स्तुवान के साथ रहे तो उसके लिए अच्छा है एंड दैट्स द रीजन आई डिडंट वांट टू स्टे अलोन आल्सो। ट्विन शेयरिंग होगा तो किसी को पेशेंट रहेगा, सो नर्सेस को बुलाना एंड दैट विल बी इजीियर। क्लास 12 का एग्जाम देने बैठी है लड़की, इतना शिद्दत से फॉर्म भर रही है। She has changed into her hospital clothes and 10:30 but OT का time है 3:30। तो अभी चैनल हो चुका है, सलाइन चल रहा है और ये दीदी is very sweet. She is helping me a lot. I am ready for OT. ये मेरी दो छुट्टियाँ which is not even we can deal with it. और यहाँ पे construction का आवाज़ चल रहा है, can you believe it? So अभी जाके complain किए। मम्मी भी गई, सप्तशी भी गए और ये जो और एक patient हैं उनके family members भी गए। So I don't know वो लोग कब बंद करने वाले हैं, that's very irritating. And OT 3:30 को होने वाला था but वो बोल रहे हैं कि वो शायद अभी हो जाएगा, so let's see. तो आनंदिता अभी ओटी जा ही रही थी पर एक और पेशेंट है, ट्विन शेयरिंग जो था और एक पेशेंट आए। शी वॉज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट कुछ नॉइज। तो ऊपर आके पता चला कि इधर कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये वाला फ्लोर पे आनंदिता है। तो अभी तो फिलहाल बंद है। भूख लग रही है मुझे। हो गया ना सर्जरी? नहीं हुआ। 4 घंटे से ऐसे ही लेटी है, सर्जरी नहीं हो रहा इसका। भाई भी आया, मिस्टर बनर्जी। দেখাবে না আজ? तो विजिटिंग आर्ट्स कंप्लीट, अनिंदिता नीड्स रेस्ट तो वो अभी रेस्ट ले रही है। हम लोग अभी जा रहे हैं घर, पापा को छोड़ेंगे घर
एंड देन अनिंदिता की मॉम मेरे साथ मेरे घर चलेगी. सो होपफुली द नाइट विल बी गुड और सुवान रोएगा नहीं. तो चलते हैं फिर घर. अभी रात के 12 बज रहे एंड आई जस्ट फिनिश्ड ऑफ माय डिनर. मैं इतना लेट डिनर नहीं करता बट आज कर रहा हूँ क्योंकि स्तुवान सो ही नहीं रहा था. बट द वे वो दरवाजे की तरफ हमेशा देख रहा था एंड उसका मैनरिज्म से कुछ अलग था एंड काफ़ी इमोशनल हो गया था उस टाइम पे. बिकॉज एक तो वो रोना बंद नहीं कर रहा था एंड सेकेंड माँ माँ बोले जा रहा था एंड एवरी टाइम ही वुड गेट अप एंड दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहा था. तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट. नॉट डिफिकल्ट कि मैं सुला नहीं पा रहा था बट इमोशनली बिकॉज आई नो शी इज़ इन अ लॉट ऑफ पेन एंड मैं मिस भी कर रहा हूँ उसको. सो एंड स्तुवान पूरा दिन उसको देखा नहीं. वी लेफ्ट बिफोर यू वोक अप टुडे. अनिंदिता दिस इज़ फॉर यू. वी बोथ रियली मिस यू अ लॉट एंड ओनली वी टू शायद सबसे ज़्यादा तुम्हारा इम्पोर्टेंस जानते हैं. टू बी ऑनेस्ट व्हेन आई केम बैक होम स्तुवान खेल रहा था एंड यू आर ऑल ओके. मुझे लगा कि सब ठीक ही रहेगा. एवरी थिंग इज़ फाइन आई कैन मैनेज इट. मेरी सासू माँ भी आए इधर. बट एक टाइम पे किसी से संभाले नहीं जा रहा था एंड आई डोंट वॉन्ट हिम टू एक्सपीरियंस दिस अगेन बिकॉज आई वॉज वेरी मूव्ड बाई वॉट ही वॉज डूइंग. छोटा बच्चा है एंड आई नो हाउ इम्पोर्टेंट अ मॉम इज टू अ किड ऑफ हिज एज. आज थोड़ा सैड नोट पे एंड कर रहे बट इन द होप दैट टुमारो विल बी बेटर. अनिंदिता विल बी पेन फ्री एंड मे बी शायद आप लोग के साथ ही मैं शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई नीडेड टू शेयर दिस विद समवन. आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑल्सो बिकॉज अनिंदिता कभी ना कभी ये देखेगी एंड मे बी शी विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट शी इज़ टू मी शी इज़ टू अस. चलो बाय. गुड मॉर्निंग यू गाइज. सो इट्स 6:50 नाउ. अभी तो ये चाय मिला है मेरे को. मैंने लास्ट परसों रात को खाया था उसके बाद से कल से तो कुछ नहीं. तो फाइनली चाय मिला एंड सुबह सुबह ऑलमोस्ट 5:30 ऐसा तो एक आंटी आके उन्होंने पूरा नहला के वो माइक्रो टेप निकाल के एक गम स्प्रे वे कर दिया चेंज करवा दिया. सो नाउ आई एम फीलिंग लिटिल डिजी बट बेटर. तो ये है कावेरी दी. इन्होंने रात भर मेरा बहुत ख्याल रखा. यूजुअली रात को क्या होता है कि जितना भी कॉल करो नर्स दीदी थोड़ा लेट करती है आने में बट शी वॉज वेरी क्विक और शी इज़ वेरी पेशेंट. कुछ ऐसा नहीं है तो थैंक यू दीदी. थैंक यू सो मच. इट्स 9:20 नाउ और अभी मेरा ब्रेकफास्ट आया है वेजिटेबल सूप. आज मेरा लिक्विड डाइट है तो सिर्फ लिक्विड ही खाना है और ILS में सिर्फ वेज खाना अलाउड है. सो इट्स वेज सूप. हाय यू गाइस. तो अभी बजा है 1:20 और अभी मेरा लंच है ये दाल का जो वाटर होता है बस वही पानी एंड मेरे बिस्किट. इसके पहले मेरे को कोकोनट वाटर और बिस्किट ही दिया था. सो आज फुल डे लिक्विड डाइट. इट्स टेरेबल यू गाइस. वैसे पेन कुछ खास नहीं है बस हल्का है. आई एम एडवाइज टू वॉक अ लॉट. अभी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज चल रहा है. पापा तो आके बैठे ही हैं. सप्तशी भी आ रहा है एंड आई एम मिसिंग सुवान अ लॉट. कल रात को वो मुझे ढूंढ रहा था एंड रोया पीत हो रहा. सो
जस्ट टाइम टू गो बैक टू हिम, बट सब कह रहे थोड़ा संभाल के, क्योंकि वो ऐसे जंप करेगा मुझ पे या कुछ भी, तो मुझको केयरफुल रहना है क्योंकि अभी भी जो ऑपरेशन पॉइंट्स है वो काफ़ी नाजुक हैं. तो अभी टाइम हो रहा है 3:25, अनिमिता को लाने जा रहा हूँ. लेटेस्ट न्यूज़ अनुसार अनिमिता को डिस्चार्ज मिल गया है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया. अनिमिता के पापा है उधर, सो ही जस्ट कॉल्ड मी, इन्फॉर्म्ड कि सब कुछ हो गया है. सो आई एम ऑन माई वे, एंड काफ़ी बारिश भी हो रहा था आज, सो निकला हुआ हाफ एन आवर हो गया, पर फिर भी एवरेज स्पीड काफ़ी कम रहा. ये है गाड़ी का हाल, पूरा धूल कीचड़ मिट्टी बिकॉज ऑफ द रेन्स. हेलो, सो टुडे इज 10th ऑफ मे और अभी हम जा रहे हैं मेरे चेकअप पे. मम्मी भी है, मम्मी को उनके घर पे आज ड्रॉप कर देंगे. एंड पियाली भी इस दुकान को लेके है, देन स्टे ओवर गए, हम लोग चेकअप करके आएंगे, फिर पियाली एंड स्तुवान को पिक कर लेंगे. सो टुडे होपफुली इट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ द सीरीज. तो चेकअप के बाद आई विल गिव मोर अपडेट. फिलहाल जो जो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स है मेरे को, वो अभी डॉक्टर के साथ जाके डिस्कस करना है. सो फिलहाल तो मेरा डाइट बहुत ही सिंपल जा रहा है. जो भी सुबह का खाना बनता है, हैविंग दैट ओनली, प्लेन स्ट्रूज. तो अभी जाके वो भी कंफर्म करना है कि नॉर्मल डाइट कब से स्टार्ट कर सकते हैं. अभी सबको घर पे ड्रॉप कर दिया है. सो टुडे इज़ द 8th डे पोस्ट ओपी. इन 8 days में मुझे ज़्यादा कुछ पेन नहीं हुआ, बस 4 पॉइंट्स पियर्स किए थे, तो उसमें से एक पे ही ज़्यादा पेन हो रहा है. एंड स्तुवान को मैं गोद में नहीं ले पा रही हूँ, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक, वो मेरे पास आना चाह रहा है, तो आई एम सिटिंग डाउन ऑन द बेड और फिर उसको गोद में ले रही हूँ. पर वो उससे जंप ऑन मी जैसा हम लोग पहले करते थे, कटिन करते थे, तो वो नहीं हो रहा था. तो वो थोड़ा उसके लिए रो रहा था. तो सप्तशी एंड मम्मी ने बहुत किया है उसकी. आज तो मम्मी चली गई, तो सप्तशी को ही पूरा हैंडल करना होगा. तो चेकअप हो गया. वन थिंग दैट आई वाज डिसअपॉइंटेड विद इज कि जो डॉक्टर ने ओटी किया है, उन्होंने ओटी के बाद मेरे को चेकअप किया ही नहीं. सो दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि मेन डॉक्टर आके हमें चेक करे. तो अभी बस उनके टीम के एक डॉक्टर ने चेक किया. एनीवेज एवरीथिंग वाज ऑल राइट. मुझे कुछ प्रॉब्लम्स था, जैसे बैक पेन हो रहा था एंड एक पियर्सिंग में जैसे पेन था, तो वो सब बोला नॉर्मल. वो हील बैंड लगाने को एंड उन्होंने कुछ मेडिकेशंस कंटिन्यू करने को भी बोला. अब अभी 1 month तक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, कुछ भी उल्टा पसीधा नहीं खाना है. 1 month के बाद आप मटन एंड ये सब खा सकते हो. और हाँ, एक चीज़ जो थोड़ा टेंशन का था, बायोप्सी रिपोर्ट देने वाले थे, तो वो भी नॉर्मल आया. सो अब ये सारे टेंशन एंड एज अ
as a reward to this OT, we are going to Lenskart to get new glasses. इसको सनग्लास भी चाहिए, नया फ्रेम भी चाहिए। I think this is the biggest Lenskart store that I have ever come to. मैडम को ये पसंद है और ये ओवरसाइज ग्लास। खुश सबाई मिले कभी सबाई के दिए कभी। शॉपिंग के बाद आ गया सबवे, भूख लगा था और थोड़ा कॉन्शियंस को साइड में रखते हुए, नहीं कॉन्शियंस का बात सुनते हुए हम लोग आ गए सबवे साइड में। Double chicken, double mutton, double egg and lots and lots of cheese. तो सोचो वो छोड़ के सब एक खाने आ गए। So Saptashi had his lunch और you liked it? तो yeah. शायद हम लोग काफी अच्छे बात कर रहे हैं। So ये वाला OT वाला vlog इधर ही end करते हैं and hopefully next time जब हम लोग मिलेंगे I'll be a much healthier person, fit person. You guys stay happy, stay safe, stay healthy. Bye.